मानसून सत्र के सातवें दिन आज पर्यटन निगम के होटलों को बेचे जाने के मसले पर भड़के विपक्ष। विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने 16 पर्यटन निगम के होटलों को रेट सहित बेचने का प्लान वेबसाइट में डाल दिया। यदि सीएम जयराम को नहीं पता है तो बताए ये किसने डाला। ओबराय ग्रुप के साथ जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो है वो 1995 में एडवर्टाइज किए बिना, हालांकि इतना बड़ा यूनिट, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, टूरिज्म की सबसे बेहतर प्रॉपर्टी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में थी तो वो वाइल्ड फ्लावर हॉल थी। और 1995 में इन्होंने जो है उसको बिना एडवर्टाइज किए ही जो है वो दे दिया। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई, और जो जमीन उसमें जो है वो इक्विटी के रूप में डाली गई। और ऐसी परिस्थिति में ओबराय ग्रुप ने जो है बहुत, क्योंकि वो बिजनेस माइंड के साथ जो है वो सारी चीज को लेकर के आगे बढ़ाया, वो अपनी इक्विटी को बढ़ाती गई, और अल्टीमेटली हमें आज तक अभी तक उसमें कोई भी चीज हासिल नहीं, हमें कुछ भी उसमें से हासिल नहीं हो पाया। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कुछ उसमें फैसला दिया है, आर्बिट्रेशन में मामला चला हुआ, लेकिन अभी तक वो निर्णय नहीं हो पाया। ऐसी सूरत में मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, हमारे ओर से स्पष्ट है कि हम ना बेच रहे हैं ना बेचने की मंशा है, जो गलती है वो पकड़ी गई, वो गलती को सुधारने के लिए हमने कहा कि जिसके खिलाफ कार्रवाई बनती उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो उन्होंने 95 में किया है, जो पूरी सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन टूरिज्म की हमारी थी, सबसे बेस्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी पूरे प्रदेश पर थी, उसको जो है वो बेच करके जो है, मतलब जिसमें एक रुपए की जो हमको अभी तक आए हिमाचल प्रदेश सरकार को हो नहीं पाई, उसके बारे में उनको क्या, खुद बेच करके आए, वो हमारी मंशा पर जो है वो चक कर रहे, हमने अपनी मंशा साफ कर दी और वो खुद करके गए हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को वो समझें, सोचें, विचार करें, और ऐसी परिस्थिति में जिस मुद्दे को वो मुद्दा बना, जिस बात को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, इसमें कोई भी जो है वो जो मुद्दा बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। कारण है कि हमने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी कि हम इस प्रस्ताव को, जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसको आगे नहीं बढ़ाने के लिए। सर, जिस तरह से आपने